गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है जो कि मुझसे कई सारे लोग पेशेंट्स पूछते हैं कि एमिनोटिक फ्लूट क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। और कई सारे पेशेंट्स ने ये भी पूछा है कि हमारा फ्लूट कम हो गया जिससे कि बच्चे में प्रॉब्लम आ गई है, तो कृपया इसके बारे में बताइए क्या होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रेगनेंसी में। ओके नमस्कार। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला ये इस तरीके के जो क्वेश्चन ये थोड़े वेग हुए हैं और ये बहुत एक बहुत बड़ा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड का, यदि आप उसको विस्तार से जाएं। पर मैं उतना मेडिकली और टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से बहुत सारी चीज़ें हम परोक्ष रूप से बच्चे के बारे में जान सकते हैं। और बहुत सारी बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है इन विट यूट्रो, मतलब जो फीटस को, गर्भस्थ शिशु को, उसका बहुत सारा रिफ्लेक्शन भी एमनियोटिक फ्लूइड में आता है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो होता क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के परिमाप से, उस एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो तो एमनियोटिक फ्लूइड में प्रॉब्लम आता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड हमको अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा दिखता है तो हम बच्चे में क्या देखते हैं, यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम दिखता है तो बच्चे में क्या देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी की शुरुआत में क्या, प्रेगनेंसी के आखिरी वाले पार्ट में कैसा, तो ये चीज़ें मैं थोड़ा टच करूंगा। और इसमें एक कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन मैन के लिए, क्योंकि हर चीज़ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में यदि आपको कोई डॉक्टर बोलते हैं तो आप उस डॉक्टर से समझिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर मैं एक बेसिक एक आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जब भी बच्चेदानी के भीतर ये बच्चेदानी है और बच्चेदानी के भीतर जब प्रेगनेंसी होती है तो ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी के भीतर ही बच्चा चिपका बैठा रहे। इस बच्चेदानी के भीतर जो प्रेगनेंसी, जो बच्चा है, उसको एक बफर, जैसे गाड़ी में बफर होते हैं वैसे बफर एक रहता है ताकि इसको चोट ना लगे, तो एक चारों तरफ से एक लिक्विड का बफर बनता है। अब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एक थैली में रहती है, उसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, एमनियोटिक सैक पूरे को बोला जाता है। ये जो एमनियोटिक सैक के भीतर का जो द्रव है इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड मतलब द्रव। ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चेदानी और बच्चे के बीच में कैसे आया, तो जो पहला हाफ रहता है प्रेगनेंसी का वो अधिकतर यूट्रस से रिस के आता है, फीटस के जो स्किन है उससे रिस के आता है, तो बहुत ज्यादा नहीं रहता। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है सेकेंड हाफ में, तो ये जो बच्चा है इसका साइज भी बढ़ता है और एमनियोटिक फ्लूइड का भी मात्रा बढ़ती है। तब ये कहां से आता है, मोस्टली इसके यूरिन से आता है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के भीतर प्रवेश करता है स्वॉलोइंग द्वारा, ये फिर भीतर जाता है और किडनी के थ्रू ये बाहर आता है, मतलब यहां पर इसकी एक चक्र चलता रहता है। अब आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति, यदि हम यदि इस फीटस को एक पर्सन माने, चूंकि इसकी सप्लाई मदर से हो रही है एक नाल के द्वारा, तो इसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और ये एक इंडिविजुअल जैसा है। किसी भी इंडिविजुअल का स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो वो खाएगा भी, पिएगा भी और यूरिन भी अच्छा करेगा। इसका मतलब यदि एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा है, बेबी यदि मूव कर रहा है, तो ये प्रेगनेंसी हेल्दी है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा है का मतलब क्या होता है, ये एक सोनोग्राफी के द्वारा हम लोग असेसमेंट करते हैं। मैं उतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक टेक्निकल विषय है। अब जैसे
प्रेगनेंसी के दूसरे हाफ में यदि आपको बोला जाता है कि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है कितना कम है। तो हम इसका पॉकेट, इसकी जो साइज है वो नापते हैं। कई बार हम लेस देन 1 सेंटीमीटर को भी कम बोलते हैं, लेस देन 2 सेंटीमीटर को भी, मिलीमीटर को भी कम बोलते हैं। अब इसको नापने के बहुत सारे तरीके, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर किसी ने यदि देखा कि इस बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड रिलेटिवली कम है, इसका मतलब इस बच्चे की तरफ जो इसका खाना मिल रहा है मदर की तरफ से, प्लेसेंटा की तरफ से, जो गर्भनाल से जो इसको खाना मिल रहा है उसमें कमी आती है। मतलब ये गर्भनाल, ये जो प्लेसेंटा है, मदर और फीटस के बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन जो बच्चे को खाना, ऑक्सीजन सब पहुंचाता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अवरोध हो रहा है, जिसके कारण इसके न्यूट्रिशन में, इसके खान पान में कमी हो रही, जिसके कारण इसका यूरिन बनना कम हो जाता है। यदि यूरिन बनना कम होता है तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के दूसरे हाफ में जो साधारण रूप से बोला जाता है, अधिकतर बच्चे की जब ग्रोथ अच्छी नहीं होती तब एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होना बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, बच्चे की शारीरिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं उस पर निर्भर करता है, बच्चे के श्वास नली में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, बच्चे के किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं जब हमको देख मिलता है कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। तो एमनियोटिक फ्लूइड यदि कम हो रहा है तो आपके जो डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे हो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो और इसके डिटेल जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का उपयोग हम प्रेगनेंसी के शुरुआत वाले हाफ में, मतलब 16 से 20 वीक्स में, मतलब 4 से 5 महीने के बीच में, हम बच्चे की जानकारी, जो मैं एक वीडियो दिखाया हूँ, बच्चे के, चूँकि इसमें यूरिन है, इसमें बच्चे के ही सेल इसमें तैरते रहते हैं, तो हम यदि यहाँ से इस लिक्विड को निकालें तो हम बच्चे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं बगैर बच्चे को छुए। उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। एमनियो मतलब एमनियो और सेंटेसिस मतलब उसको पंक्चर करके पानी निकालना। तो ये जो क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एक द्रव है जो बच्चेदानी और बच्चे के बीच में रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट से हम बहुत सारे नतीजों पे पहुंचते हैं कि बच्चे को मोस्टली अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होने लगता है तो डॉक्टर्स अधिकतर प्रेगनेंसी को बहुत लंबा खींचने से मना करते हैं। यदि 8.5 महीने 9 महीने में हमको लगता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, तब हम उस बच्चे को समय रहते सीजर से बाहर निकाल लेते हैं या फिर हम उसकी डिलीवरी करा लें। उस डिलीवरी कराते समय यदि हमको लगता है कि बच्चे इतना कमज़ोर है कि वो डिलीवरी का स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा तो हम उसको सीजेरियन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में। एमनियोटिक फ्लूइड कुदरत ने फीटस को इसलिए दिया कि जब उसकी डिलीवरी हो और बच्चेदानी का संकुचन हो तो पूरा का पूरा प्रेशर बच्चे पे ना पड़े, ताकि वो स्क्वीज ना हो जाए, उसका ब्लड सप्लाई ना बंद हो जाए, तो वो भी एक उसका कुशन का काम करता है। तो बहुत सारे चीज़ों में हम एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आशा है जो क्वेश्चन आपने पूछा उससे इसका काफी हद तक आंसर मिला होगा। यस सर, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।